हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गर्मियों के मौसम में तो फेस की स्किन की पूरी वॉट लगी हुई है। दिन भर उस पे पसीना रहता है, धूप रहती है, धूल रहती है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जा रही है स्किन में। तो आइए आज अपने स्किन को हेल्दी करने के लिए एक अच्छा सा फेस मास्क बनाते हैं। इस फेस मास्क से आपका जो स्किन टोन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, साथ ही साथ नेचुरल ब्लीचिंग हो जाएगी और आपका ग्लो भी निकल के बाहर आएगा। बट एक चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा कि चूंकि ये होम रेमेडी है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। बट ऑफ कोर्स अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको अपने स्किन में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी इसको यूज़ करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके स्किन को ये कैसे सूट किया, कमेंट बॉक्स में लिख करके। आप लोगों की रिप्लाई का इंतज़ार करूंगी मैं। इस पैक को बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर या फिर मैदा। नेक्स्ट सेकंड चीज़ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर या फिर बेसन। और थर्ड चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स लेमन के। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 स्पून टमाटो जूस। एट लास्ट हम इसमें डालेंगे रॉ मिल्क। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए आपको रखना पड़ेगा। मिक्स करने के बाद कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखिएगा आप, जिससे कि आपको फेस पे अप्लाई करने में इजी हो। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे और फिर अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। आपको ये पैक की तरह अप्लाई करके छोड़ना नहीं है, आप इसको थोड़ा सा हल्का मसाज करिए अपने फेस पे। जितना ये टमाटो जूस, लेमन जूस और मिल्क आपके सेल्स में एब्जॉर्ब होगा, उतना इसका इफेक्ट जल्दी दिखे। आप जब ये फेस पैक अपनी स्किन पे लगा करके छोड़ेंगी तो आप अपने स्किन को ऐसे हल्के हल्के से मसाज करते रहिएगा, जिससे क्या होगा आप खुद भी देखेंगी कि कुछ चीज़ें ऐसे रब होकर के निकल रही हैं। चूँकि हमारा राइस फ्लोर और ग्राम फ्लोर बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है, तो इसकी वजह से हमारी डेड स्किन्स जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई करिएगा। और अगर आपको ये सूखा सूखा सा लगे तो आप इसमें हल्का सा अपने हाथों पे रॉ मिल्क लेकर के और फिर हल्के से मसाज करिएगा। इससे क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी स्किन में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर ब्लड सर्कुलेशन सेल्स में हो तो सेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, रिपेयरिंग बहुत अच्छी होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैदा के यूज़ हमने इसमें किया है। मैदा एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए। मैदे से तो और भी बहुत सारे पैक्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा स्किन टोन इम्प्रूव होता है। इसके बाद हमने ऐड किया है इसमें टमाटो जूस, जो कि नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है और हमारे सेल की रिपेयरिंग या ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। लाइम जूस आप सबको पता है एक रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, जिसकी वजह से ग्लो आता है फेस पे। लो, मैंने तो वॉश कर लिया अपना फेस 30 मिनट्स के बाद ल्यूक वार्म वाटर से। ल्यूक वार्म वाटर हमेशा इसलिए सजेस्ट किया जाता है आपके फेस को वॉश करने के लिए ताकि टेम्परेचर वैरी ना हो और आपकी स्किन में टाइटनिंग हमेशा बनी रहे। तो मैं तो बहुत ही रिफ्रेश फील कर रही हूँ इस पैक को अप्लाई करने के बाद। आप भी अप्लाई करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस पैक को आप कुछ दिनों तक कंटिन्यू यूज़ करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। आई थिंक 2 से 3 बार अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं उसके बाद ही आपको अपने टोन में एक डिफरेंस ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, भले समर्स हैं तो क्या, बट स्टिल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत, ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप फेस को वॉश करने के बाद में टैप करके उसको ड्राई कर लीजिए और उसके बाद उस पर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा वो रिलैक्स करे। तो अगर आपको मेरा ये फेस मास्क अच्छा लगा हो और उसके इफ़ेक्ट्स भी विजुअलाइज हो रहे हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।